नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर थाना चिलकाना क्षेत्र के शाहजहांपुर रोड पर देर रात लूट में विफल होने पर चार बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मार दी, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर घायल सेल्समैन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सहारनपुर के गुरुद्वार रोड पर शनिवार को जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष शशि वालिया के नेतृत्व में भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष शशि वालिया ने कहा कि भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताए जाने की हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा की मोदी सरकार देश विरोधी सरकार है। इस दौरान प्रदर्शन में मुजफ्फर तोमर, परवीन चौधरी, गणेश दत्त शर्मा, वरुण शर्मा, इमरान कुरैशी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का ये पुतला हमारी सहारनपुर जनपद की युवा इकाई के नेतृत्व में जो जलाया गया है प्रज्ञा ठाकुर का, ये इस बात का घोतक है कि देश के अंदर जो मोदी जी की सरकार चल रही है वो घोर देश विरोधी है। जिससे जो चुनाव से पहले भी, चुनाव जीतने के बाद भी और अब संसद के अंदर भी महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का प्रयोग करती है और गोडसे की तारीफ करती है, तो साफ है कि मोदी जी की सह है। मोदी जी ने पहले कहा था कि हम इनको निकालेंगे, नहीं निकाला, केवल उनके माध्यम से वो अपनी भावनाओं को उजागर करते हैं। हम आज जनपद सहारनपुर के कांग्रेसी मोदी जी से सरेआम पूछना चाहते हैं कि यदि आपके मन में गोडसे के प्रति भाव हैं तो आप साफ करें, और यदि महात्मा गांधी के प्रति भाव हैं तो वो साफ करें। हिंदुस्तान ऐसे दो मुहे रास्ते से नहीं चल सकता। आपकी जुबान में कुछ और है, आपके दिल के अंदर कुछ और है। देश को बर्बाद करने पर लगे हैं और देशभक्त कहलाने की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, सहारनपुर में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व पेट्रोल डालकर जला दिए जाने की विरोध में जिला मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। इस दौरान छात्रा प्रमुख रक्षिता पंडित ने कहा कि हमारी मांग है कि पुलिस आरोपियों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करे, और अगर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो एबीवीपी सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में मोहित पंडित, अंकित सैनी, वंशिका, राहुल राजपूत, कार्तिक तोमर, शुभम ठाकुर सहित काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रक्षिता पंडित, महानगर छात्र प्रमुख, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहारनपुर डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम पे, जो हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी के साथ घटना घटी, उनका रेप कर उनको पेट्रोल डाल के आग लगा दी गई। हम चाहते हैं कि उन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा हो और जल्दी से जल्दी सजा हो, वरना विद्यार्थी परिषद धरना करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, और उस अगर उनको सज़ा नहीं हुई या फिर उनको उसमें डिले किया गया तो विद्यार्थी परिषद उनके साथ हमेशा खड़ी है और उनके साथ खड़ी रहेगी, और उसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। सहारनपुर के गोविंद विहार स्थित न्यू रोज पब्लिक स्कूल में 20वां वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सरसावा एयरफोर्स के एयर कमांडर अजय शुक्ला द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दी गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने जमकर तालियां बटोरी।
इस दौरान कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथियों ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मैनेजर अवनीश चंद्र मेदालिया ने आए हुए सभी अतिथियों व अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रधानाचार्य उमा चंद्र मेदालिया आकांक्षा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर आज हम अपना 20वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि सरसावा एयरफोर्स कमांडो चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ आए हैं। अजय शुक्ला जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम का शुभारंभ किया और आज के ये प्रोग्राम रंगारंग प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रहा, जिसमें बच्चों ने बहुत ही उत्साह से भाग लिया और उनके गार्जियंस ने खूब इसका एंजॉय किया। ये प्रोग्राम सहारनपुर के मिशन कंपाउंड स्थित सेंट मैरीज एकेडमी में शनिवार को रोटरी क्लब मिड टाउन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन चेयरमैन बलजीत सिंह चावला प्रेसिडेंट शिवा अरोड़ा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसके बाद कैंप में क्षेत्रवासियों छात्रों समाज सेवियों रोटरी के सदस्यों सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए रक्तदान किया। इस दौरान राजीव कुमार अरुण सड़ाना मोंटी सिंह तरुण भोला चंद्रजीत सिंह निक्कू सहित अन्य लोग भी कैंप में शामिल रहे। बलजीत सिंह चावला और रोटरी के इस रक्तदान शिविर में सहारनपुर के सभी नगरवासियों ने जिस उत्साह के साथ सारे यहां आ रहे हैं, मैं समस्त लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रोटरी परिवार और सेंट मैरीज एकेडमी की तरफ से कि आज रक्तदान की जो एक मशाल यहाँ लोगों ने जलाई है, जो अब हम ये कह सकते हैं कि सहारनपुर में किसी इंसान की मृत्यु रक्त के अभाव में नहीं होगी। लगभग कितने यूनिट इकट्ठे हो सकते हैं? सर यूनिट मायने नहीं रखते, यूनिट जितने होंगे वो बहुत अच्छी तादाद में होंगे और ये सहारनपुर का एक ऐतिहासिक कैंप होने जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लगभग सहारनपुर में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के उत्तर प्रदेश प्रभारी जवाहरलाल, नॉर्थ इंडिया की अध्यक्ष मंजू छिब्बर व उत्तर प्रदेश महासचिव उमर सलमान ने रैली संयोजक यशपाल सिंह के साथ जनसंपर्क किया, जिसके बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पदाधिकारियों की घोषणा भी की। इस दौरान प्रदेश संगठन सचिव असगर आलम भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रविवार को मोहल्ला ओजपुरा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुझे यहाँ आने का अवसर इसलिए मिला कि कल मेरे नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर रामदास अठावले, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल एक रैली में आ रहे हैं। हमारा रैली का उद्देश्य है कि जन जागरण करके लोगों को रिपब्लिकन पार्टी की नीतियों, क्योंकि ये पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी, उससे लोगों को परिचय कराना है, वो जागरण जन जागरण करना है। सहारनपुर न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।